प्लस का नॉट सी थ्री लाइट 5G है मेरे पास एंड मैं इसे पिछले 6 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ। ये रहा रिटेल बॉक्स एंड अमेजन से बाई किया है, सेम डे डिलीवरी भी हो गया एंड वन प्लस का नॉट सी बर्ड्स मुझे फ्री मिला है। एंड अमेजन का वेबसाइट आज जब मैं बुक कर रहा था तो ऑलमोस्ट क्रैश कर चुका था, 20-25 मिनट लगे मुझे ऑर्डर करने में एंड वो पुराने वाले फ्लैश सेल्स वाली यादें भी आ गई, बट फाइनली डिलीवर हो गया। जैसे मैंने इसे अनबॉक्स किया तो अंदर में मुझे जो है बहुत सारे पेपर वर्क देखने के लिए मिले, वेलकम लेटर था, स्टिकर्स थे एंड वारंटी इन्फॉर्मेशन बुकलेट्स वगैरह थे एंड जो टीपीयू केस जो है इन द बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्मार्टफोन को मैंने साइड किया, अंदर में 80 वॉट का ब्रिक था, रेड केबल था, 80 वॉट का ब्रिक तो मिल जाता है बट 67 वॉट की चार्जिंग को वो सपोर्ट करता है एंड स्क्रीन प्रोटेक्टर प्री एब लाइट देखने के लिए मिल जाता है एंड मैंने ये चटकदार लाइम कलर में लिया है तो इसी कलर की वजह से ये वाला स्मार्टफोन जो है आई थिंक बेस्ट सेलर बनने वाला है अंडर 20,000। डिजाइन मुझे पसंद आया, पोर्सेलिन फिनिश देखने के लिए मिलता है, प्लास्टिक बैक है, जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाता है, साइड माउंट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाता है जिसकी स्पीड मुझे सही लगी, अच्छी है, स्पीड अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। एंड डिजाइन में अगर मैं इसे कंपेयर करूँ IQ Z7 से तो IQ Z7 से बेटर डिजाइन वाला स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल जाता है, एटलीस्ट जो कलर वेरिएंट है वो तो बेटर है एंड आई थिंक थोड़ा सा रोबस्ट देखने के लिए मिल जाता है एंड फ्रेम की क्वालिटी अगर मैं IQ से कंपेयर करूँ ना तो आई थिंक बेटर यहाँ पर फ्रेम आपको देखने के लिए मिल जाता है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर 3.5mm का गड्ढा देखने के लिए मिल जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइक्रोफोन है, इसका जो फ्लैश है ना वो सनफ्लावर पैटर्न में जो है वो अच्छा दिख रहा है, इवन मैंने ये जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी मैंने देखा है रियलमी के 10 Pro में या 10 Pro Plus में तो अच्छा खासा दिख रहा है पोर्सेलिन फिनिश के साथ, मैं ज्यादा बुरा नहीं कहूंगा बट अगर मैं रियलमी 10 Pro से कंपेयर करूं इसके जो बेजल्स है वो ज्यादा मोटे देखने के लिए मिलता है, इससे भी बहुत ज्यादा पतले बेजल्स है रियलमी के 10 Pro में। जो स्टोरेज वेरियंट है UFS 2.2 देखने के लिए मिल जाता है एंड जो रैम टाइप है LPDDR4X टाइप देखने के लिए मिल जाता है एंड मैंने सिम स्लॉट का आपको नहीं बताया, सिम स्लॉट में यहाँ पर आपको SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है तो एक सिम एक SD कार्ड या 2 सिम लगा सकते हैं, SD कार्ड आप 1 TB तक जो है एक्सपेंड भी कर सकते हैं। कैरियर एग्रीगेशन का मैंने नहीं देखा, मैंने इसमें सिम कार्ड नहीं डाला है, वाईफाई में जितना मैंने टेस्ट किया तो वाईफाई का बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम बूट करने के बाद मुझे OnePlus के स्मार्टफोन में हॉट फ्री गेम्स वाला एक फोल्डर देखने के लिए मिला एंड मुझे ब्राउजर देखने के लिए मिला जो ColorOS वाला ब्राउजर है, ColorOS का थीम स्टोर देखने के लिए मिला एंड ऐसा ज्यादा ब्लोटवेयर नहीं थे, Amazon Prime था एंड Netflix देखने के लिए मिलता है, वो काम के ऐप्स है उसे एस सच ब्लोटवेयर तो नहीं कह सकते बट प्री इंस्टॉल्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट मुझे एक OnePlus के स्मार्टफोन में हॉट फ्री गेम्स वाला फोल्डर देखने के लिए मिल रहा है जिसे आप डिसेबल करोगे तो वो ऐप ड्रॉयर से भी हट जाएगा एंड जो ब्राउजर ऐप है उसे भी डिसेबल करोगे तो ऐप ड्रॉयर से हट जाता है, को हाइड करने की जरूरत नहीं है बट एक OnePlus के स्मार्टफोन में ऐसा जंक देखने के लिए मिल रहा है। ज्यादा दिन बाकी नहीं है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब ColorOS के साथ ही OnePlus के डिवाइसेस जो है लॉन्च हो गए इंडिया में भी। सो अगर आप सोच रहे हैं ये वाला स्मार्टफोन परचेज करने की कि आपको यहाँ पर OxygenOS का क्लीन UI एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा, हॉट गेम्स वाली फोल्डर आप डिसेबल कर सकते हैं, एज सच आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होने वाला है। डिस्प्ले का अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर IPS LCD पैनल देखने के लिए मिल जाता है, 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, कोई HDR10 सर्टिफिकेशन नहीं है, अगर आप नेटफ्लिक्स में जाओगे तो आपको कोई सर्टिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप डिस्प्ले की क्वालिटी देख सकते हैं, मैंने IQ Z7 के साथ इसे जो है कंपेयर किया है, IQ Z7 में आपको ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको पंच होल देखने के लिए मिल जाता है एंड मैंने जो है वीडियो प्ले बैक किया तो यहाँ पर पता है स्नैपड्रैगन का 695 मिल जाता है तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है, आप 4K में वीडियो YouTube में नहीं देख सकते हो, 1080p 60fps मैक्स है, HDR वीडियोस तो नहीं चलने वाली है एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे खासे कलर्स थे, कलर्स जो है विविड मोड पे रखा हुआ है, कलर्स वगैरह शार्पनेस वगैरह ठीक थे एंड व्यूइंग एंगल्स भी बहुत अच्छे खासे देखने के लिए मिले, तो कोई भी जो है टिंट इशू या ऐसा जैसे मैं टिल्ट करता हूँ इसके डिस्प्ले को तो कोई ज्यादा जो है फर्क देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो साइड बाई साइड जैसे कंपेयर किया तो ठीक लग रहा था, मुझे ऐसा दिक्कत तो नहीं आई बट इतना ज्यादा डीप ब्लैक्स आपको जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा एंड आउटडोर विजिबिलिटी मैं चेक नहीं कर पाया, मैं रात के 12 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं कुछ छोटी बट इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एक्सपीरियंस को एनहांस करती है उसके बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपको IQ Z7 में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। हैप्टिक फीडबैक बुरा देखने के लिए मिलता है, गुड़ गुड़ वाला हैप्टिक फीडबैक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर 9 5G बैंड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कंपेयर टू IQ Z7 जहाँ पर 6 5G के बैंड मिलते हैं, यहाँ पर आपको 9 मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 695 मिल जाता है, तो 695 के जो स्कोर्स निकल के आए वो अगर मैं बताऊं आपको, Geekbench 6 का बताता हूं जो कि यूजुअली ज्यादा आता है, सिंगल कोर 857 एंड मल्टी कोर 2020 का निकल के आता है। उसके बाद मैंने यहां पर Antutu किया तो 408,000 का निकल के आया एंड टेम्परेचर राइज ज्यादा नहीं हुआ, 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ, तो बहुत ही ज्यादा जो है कूल रहेगा ये वाला प्रोसेसर। एंड मैंने यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग किया तो कुछ जो है येलो लाइंस मुझे देखने के लिए मिले, 15 मिनट का टेस्ट था एंड 87% तक जो है स्टेबिलिटी देखने के लिए मिली, जो एवरेज जीप स्कोर है 1154 का देखने के लिए मिला। साइड बाई साइड मैंने IQ7 का भी आपको दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। BGMI को मैंने यहाँ पर साइड लोड किया एंड जो सेटिंग्स अनलॉक्ड है वो स्मूथ प्लस अल्ट्रा, तो यहाँ पर आप एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स को अनलॉक नहीं कर सकते हैं। 60fps की गेमिंग नहीं होने वाली है, 40fps की गेमिंग कर लोगे कंपेयर टू IQ Z7 जहाँ पर आप जो है 60fps की गेमिंग कर सकते हैं, ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है। मैंने जितना भी गेमिंग किया मुझे ठीक ठाक लगा, आप जो है फ्रेम रेट्स देख सकते हैं ऊपर की ओर, तो 40fps का ऑलमोस्ट जो है चिपक के ही दे रहा था, 38
3940 का जो है यहाँ पर आपको फ्रेम रेट दे रहा था, तो अच्छा खासा गेम प्ले निकल के आया। मैं ज्यादा जो है बुरा नहीं बोलूंगा, बट जो जायरो का परफॉर्मेंस है, जायरो में डीले है, लैग देखने के लिए मिला, तो जायरो में थोड़ा सा जो है डीले या लैग देखने के लिए मिलेगा कम्पेयर टू IQ Z7, जहां पर जो है जायरो में इतना ज्यादा डीले वगैरह नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं आपको कैमरा का बताऊं तो यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि बाकी के दो कैमरा 2+2 है जो कि बेकार के हैं। एंड फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाता है। OnePlus का 16 मेगापिक्सल मतलब आपको पता है सोनी का IMX471 देखने के लिए मिलता है, एंड यहाँ पर वो सैमसंग का 108 मेगापिक्सल यूज कर रहे हैं। कौन सा मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी तो पता नहीं है मुझे भी ठीक से। एंड सैम्पल्स आप जितना भी देख रहे हो आप सैम्पल्स देख लो, मैं ज्यादा अभी कैमरा को जज नहीं करने वाला हूँ, एंड मैंने IQ के साथ इसे जो है कंपेयर भी नहीं किया है। तो सारे इंडोर लाइटिंग कंडीशन में आप देख लो, स्टूडियो लाइटिंग में भी आप कह सकते हो, मैंने जो सैम्पल्स लिए वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, बस कैमरा को जज नहीं करने वाला हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन ठीक ठाक मुझे लग रहा है, जब तक मैं ब्रॉड डे लाइट कंडीशन में इसे टेस्ट नहीं करता हूँ एंड नाइट सैम्पल्स अच्छी तरीके से नहीं लेता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, बस आप सैम्पल देख लो। बैटरी आपको बताया 5000 mAh का आपको मिल जाता है, एंड 80W का चार्जर इन द बॉक्स मिलता है, 67W तक चार्ज कर सकते हैं। सो सुपर फास्ट चार्जिंग तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अभी कितना टाइमिंग वगैरह है मैंने चेक नहीं किया हुआ है। एंड बैटरी लाइफ वाईफाई में जितना मैंने टेस्ट किया मुझे बैटरी लाइफ सही लगी है, ऑलमोस्ट 40% चार्ज में ही आया था। उसके बाद मैंने गेमिंग वगैरह करी, टेस्टिंग वगैरह करी, तो ठीक ठाक अभी 20% पे है। तो आई थिंक जो है आपको बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा, पर डिटेल में और भी आगे बताएंगे। सॉफ्टवेयर का मैं बताता हूँ ना, अभी OnePlus का सॉफ्टवेयर जो है ऑक्सीजन ओएस बिल्कुल भी नहीं रहा। पहले आपको पता होगा ऑक्सीजन ओएस में जैसे आप ऐप ड्रॉअर में स्लाइड करते थे लेफ्ट की ओर तो एक हाइड ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर अभी वो चीज देखने के लिए नहीं मिलती है। अभी हाइड ऐप्स आपको सेटिंग्स में जाके अंदर में जैसे देखने के लिए मिलता है, कलर ओएस में वैसा ही देखने के लिए मिलता है। थैंकफुली अभी भी जो नेवर सेटल वाला विजेट है वो अभी देखने के लिए मिलता है। नोटिफिकेशन ड्रॉअर है, जो ऐप ड्रॉअर है, या सेटिंग्स पैनल में जाएंगे तो पूरा कलर ओएस जैसा ही, रियलमी UI जैसा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। एंड फ्री हॉट गेम्स वाले ऐसे फोल्डर्स जो है नहीं देने चाहिए थे, बट अभी भी आई थिंक एक्सपीरियंस इतना ज्यादा बुरा नहीं है। एंड विद स्नैपड्रैगन 695 जितना भी मैंने यूज किया, फास्ट है, फ्लूइड है, 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है, तो उतना ज्यादा बुरा नहीं है। डुअल स्टीरियो स्पीकर मुझे अच्छे लगे, हैप्टिक फीडबैक बुरा ही देखने के लिए मिलता है, वो गुड़गुड़ वाला हैप्टिक देखने के लिए मिलता है। मुझे डिजाइन बहुत पसंद आया, ये लाइम कलर के वजह से ये वाला स्मार्टफोन जो है बहुत ज्यादा हिट होने वाला है। जिस तरीके से वेबसाइट क्रैश किया, पता नहीं वो खुद से इन्होंने करा कि इतना ज्यादा जो है लोगों का इतना ज्यादा डिमांड है, बट आई थिंक जस्ट फॉर द कलर, ये वाला कलर एंड डिजाइन के लिए ये वाला स्मार्टफोन फिर से जो है 120,000 बेस्ट सेलर बन सकता है। एंड सॉफ्टवेयर मुझे बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगा जब मैंने इसे डिसेबल कर दिया हॉट गेम्स वाली फोल्डर को। एंड आई थिंक कैमरा डिसेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड डिसेंट परफॉर्मेंस वाला एक स्मार्टफोन है जो कि इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, एंड डिजाइन वगैरह ठीक मिल जाता है। बट अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ IQ Z7 में बहुत सारी चीजें अलग देखने के लिए मिल जाती है, अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, बट वहां पर भी डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको नहीं मिलता है। नार्जो 50 प्रो एक बहुत बड़ा कंपटीटर है जो कि 17,000 का आपको देखने के लिए मिल रहा है, अगर हो सके तो उसके साथ भी कंपेयर करेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बता सकते हैं, कमेंट करोगे तो हार्ट मिलेगा, शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।